वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों. बच्चों आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन 12. इसमें सिर्फ हम करते जाएंगे, मतलब मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो देखना इलस्ट्रेशन 12. देखो बच्चे, बैलेंस शीट में द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. बच्चे इस बार हमारे पास कैश का भी बैलेंस है, बैंक का भी बैलेंस है. ठीक है, तो अब आप कहोगे कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अभी मैं सामने बताती हूँ. स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल. आपको पता आज बिजनेस बंद हो रहा, आज हमें गुडविल के भी पैसे मिलेंगे, मतलब आज ये भी बिक जाएगी, तो इसे भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, आपको ध्यान होगा मैंने जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, रिटायरमेंट और एडमिशन कराए थे, मैंने कहा था इट इज़ ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. ठीक है, इट इज़ ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ये यहाँ पड़ा हुआ. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की तरह ट्रीट करना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटसाइड लाइबिलिटी, बीपी आउटसाइड लाइबिलिटी, मिसेस ए लोन आउटसाइड लाइबिलिटीज, मिसेस बी लोन आउटसाइड लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ये असेट से रिलेटेड रिजर्व है, इसलिए बटेगा नहीं रियलाइजेशन में. ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल. आगे मैं पढ़ती जाऊंगी लाइन से, जैसे जैसे होगा जो चीज़ पे करते जाएंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म. क्योंकि आज बिजनेस बंद हो रहा है, हमें सारी बुक्स का बैलेंस नहीं निकालना, बुक्स को क्लोज करना है. ठीक है, तो देखना. तो बच्चे देखना हमें क्या करना है, हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट है नहीं, और बैंक अकाउंट. ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट. सेकेंड नंबर पे है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू पार्टनर्स हैं, ए और बी. ए और बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में कैश है तो कैश अकाउंट, बैंक है तो बैंक अकाउंट. आपके पास इस बार क्वेश्चन में कैश इन हैंड बैलेंस ऑफ कैश भी है, कैश एट बैंक बैलेंस ऑफ बैंक भी है. तो आप कहोगे कौन सा अकाउंट बनाएं मैम, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते हो, कैश भी बना सकते हो और बैंक भी. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप कैश अकाउंट बनाते हो, ठीक है, आप कैश अकाउंट बनाते हो तो कैश का बैलेंस तो कैश अकाउंट में लिखो. जैसे आपकी इलस्ट्रेशन 12 में कैश का बैलेंस है 500, तो कैश बिजनेस की असेट, असेट का डेबिट बैलेंस लिख दिया. अब आप कहोगे बैंक का बैलेंस क्या करेंगे, बैंक को विड्रॉ करने की एंट्री कर दोगे, बैंक से विड्रॉ करने की एंट्री कर दोगे. बताओ विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, कैश आएगा और बैंक से कम हो जाएगा, तो विड्रॉ करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में क्या लिख दोगे, टू बैंक, मतलब जो बैंक से विड्रॉ करने की एंट्री कर दोगे, ये आ गया, मतलब अल्टीमेटली मेरे पास टोटल कैश ही हो गया. जो 500 कैश था वो तो कैश था ही, बैंक के पैसे विड्रॉ करने की एंट्री कर दोगे. ठीक है, कैश के केस में बाई चांस आप बनाते हो बैंक अकाउंट, आप चाहते हो कि हम बैंक अकाउंट बनाएं क्योंकि हमारे पास बैंक का भी तो बैलेंस है. ठीक है, आप बैंक अकाउंट भी बना सकते हो. बैंक अकाउंट, ठीक है, अब बैंक अकाउंट बना रहे तो बैंक में बैंक का बैलेंस लिखो. बैंक का बैलेंस है 8000, तो बैंक के पैसे बिजनेस की असेट, असेट का डेबिट बैलेंस 8. तो अब आप क्या हो गए, कैश का क्या करें, कैश को बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री कर दो. कैश बताओ कितना है, 500, तो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश.
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, कैश चला जाएगा हमारे पास से, बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में टू कैश, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास सारा पैसा बैंक में हो गया। तो अगर आप कैश अकाउंट बना रहे, दोनों चीज़ें हैं, कैश अकाउंट बना रहे हो तो बैंक के पैसे विड्रॉ की एंट्री कर दो, और अगर बैंक अकाउंट बना रहे हो तो कैश को बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा था बैंक अकाउंट बनाओ, तो अब हम बैंक अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करो बैलेंस शीट की असेट साइड से। कैश इन हैंड था, बैंक का बैलेंस लिख दिया और कैश को बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री कर दी। इसके अलावा जितनी भी सारी असेट्स हैं, ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी सारी असेट्स को आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे बाकी सारी असेट को, ठीक है। जितनी भी असेट हैं सारों को ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो एक बारी ध्यान से क्या चीज़ है, यहाँ पे है स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल तक सारी असेट ट्रांसफर कर दो। तो असेट का डेबिट बैलेंस है, डिक्रीज पे क्रेडिट, ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू प्लांट, टू बिल्डिंग, टू गुडविल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में सारी असेट ट्रांसफर कर दी बुक वैल्यू पे, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद है बच्चे टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है बच्चे डेटर्स, टू डेटर्स, क्योंकि एंट्री हो रही है, आपको पता है डेटर यहां ट्रांसफर होते हैं, इसका प्रोविजन अपोजिट में। उसके बाद टू प्लांट, जब आप डेटर ट्रांसफर कर रहे हो इसका प्रोविजन अपोजिट में ट्रांसफर कर दिया करो ताकि रह ना जाए, ठीक है। तो टू प्लांट, टू बिल्डिंग, टू गुडविल, टू प्लांट, टू बिल्डिंग, टू गुडविल, ठीक है। तो ट्रांसफर करो बच्चे यहाँ पे हमारे पास स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है 5, इन्वेस्टमेंट मेरे पास है 10, डेटर्स मेरे पास हैं 20, प्रोविजन अभी ट्रांसफर करती हूँ, प्लांट भी 20 है, बिल्डिंग 15, गुडविल 4। अब मुझे बताओ, मुझे इसका डेटर का प्रोविजन यहाँ से लेस करना है, ये डेबिट साइड है, यहाँ से लेस नहीं करती क्रेडिट में। वैसे भी बैलेंस शीट में जो प्रोविजन दिया है वो डेबिट में लिखा नहीं हुआ, डेबिट में से लेस है तो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो मुझे इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज पे डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। अब आगे चलो, मैंने सारी असेट ट्रांसफर कर दी, एक चीज रह गई बैलेंस शीट की असेट साइड में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इट इज ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। देखो खर्चे कभी भी बैलेंस शीट की डेबिट साइड में नजर नहीं आते, क्यों, क्योंकि खर्चे ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का मतलब खर्चों का बैलेंस राइट ऑफ हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम ट्रांसफर करते हैं, लेकिन बाई चांस राइट ऑफ नहीं किया, मतलब ट्रांसफर नहीं किया, तो खर्चे का बैलेंस बचेगा, बैलेंस बैलेंस शीट की डेबिट साइड में नजर आता है। तो अगर मैं इस खर्चे को अब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करूं तो क्या होगा, एडवर्टीजमेंट का बैलेंस डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट, ट्रांसफर करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का ही डेबिट बैलेंस आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस शो करेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, इसे अल्टीमेटली बांटेंगे कौन, पार्टनर। तो हम इतना लंबा स्टेप नहीं लेते, इट इज ट्रीटेड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, तो इसे पार्टनर बांटेंगे। लॉस ट्रांसफर करोगे मतलब खर्चा ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो 1:1। तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस नाम से है बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ए और बी के डेबिट में 2, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1750, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कितना, अब आ जाओ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स, बीपी,
मिसेस ए लोन, मिसेस बी लोन, ये चारों हैं बच्चे आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं ये, इनको भी कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कैसे ट्रांसफ़र करें? क्रेडिटर बीपी, मिसेज ए लोन, मिसेज बी लोन, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज पर डेबिट। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट, मिसेज ए लोन अकाउंट डेबिट, मिसेज बी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रही है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, बाय बीपी बाय मिसेस ए लोन, बाय मिसेस ए लोन एंड बाय मिसेस बी लोन। ठीक है, अब बताओ क्रेडिटर की बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में वैल्यू है। क्रेडिटर है 30, बीपी है 8, मिसेस ए लोन 5, मिसेस बी लोन 10। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यहां पड़ा हुआ क्या शो करता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चों अब ये सारी आउटसाइड लायबिलिटीज तो ट्रांसफर हो चुकी हैं, उसके बाद आ रहा है बच्चे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यहां पड़ा हुआ क्या शो करता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आज बिजनेस बंद होने वाला है, इसे भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 10 था, 1:1 है, तो 5 इसको मिलेंगे, 5 इसको मिलेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, तो ए और बी के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व आ गया ये चीज। आगे चलना, जनरल रिजर्व के बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये असेट से रिलेटेड फंड है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसलिए मैंने सारे अकाउंट इकट्ठे खोलती हूँ कि जो एंट्री जहाँ की होती है वहाँ वहाँ जाती रहती है। कैपिटल के बैलेंस देखो, मैंने यहाँ लिखा था क्योंकि कैपिटल का बैलेंस सबसे ऊपर लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिख दो, 10,000। आगे चलो, अब नीचे जैसे जैसे लायबिलिटी की पेमेंट के लिए कहेगा हम करते रहेंगे। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31st March 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म। फर्म डिसॉल्व हो गई है इस डेट पर। देखना, ए प्रॉमिस टू पे मिसेस ए लोन, ए ने प्रॉमिस किया है वो मिसेस ए लोन की पेमेंट करेगा। तो मिस उसकी मिसेज है, लेकिन बिजनेस की तो आउटसाइड लायबिलिटीज है ना, तो ए ने प्रॉमिस किया वो आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करेगा। तो अगर हम आउटसाइड लायबिलिटीज की खुद पेमेंट करते तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन अब कौन कर रहा है? पार्टनर। तो हमें पैसे पार्टनर को देने पड़ेंगे, कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब मिसेस ए लोन की ये नहीं बताई कम कर रहा है या पूरी, तो पूरी करेगा 5। बैलेंस शीट में जितनी है उतनी पेमेंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू एज कैपिटल कितने का है? ए लोन 5, मिसेस ए लोन, ठीक है, तो मिसेस ए लोन क्या एंट्री हो रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो एक एक क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन पोस्टिंग आनी चाहिए 5,000। आगे चलो, आगे कह रहा है एंड टू अवे स्टॉक इन ट्रेड एट 4,000। एक ही लाइन है, एक तो वो मिसेज ए लोन की पेमेंट करेगा एंड टू अवे स्टॉक इन ट्रेड, और उसने स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक को ही कहते हैं, उसने स्टॉक ले लिया 4,000 में। अंदर स्टॉक है 5 का, लिया 4 में, एंट्री उतने से होती है जितने में लिया रियलाइज प्राइस में। तो इस बार पार्टनर असेट ले रहा है, तो हम उसके अकाउंट से पैसे काटेंगे तो कैपिटल डिक्रीज, डिक्रीज पर डेबिट। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल।
कौन सी असेट लेने की एंट्री है? स्टॉक एंट्री हो रही है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ए के डेबिट में टू रियलाइजेशन, फोर इसके अकाउंट से कट ली। आगे चलो, बी टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बी ने लिया आधी इन्वेस्टमेंट। चेक करो हमारे पास अंदर इन्वेस्टमेंट है कितने की, 10। बी टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इसने आधी इन्वेस्टमेंट ली है 5 वाली, एट 10% डिस्काउंट। ये जो 5 वाली ली है उसने, 5 तो बुक वैल्यू है, ले वो कम में भी सकता है और ज्यादा में भी, 10% डिस्काउंट पे लिया है। 10% मतलब 500 कम पे लिया है, तो 5 वाली असेट को 45 में लिया गया है, तो एंट्री 45 से होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ उसने 5 वाली असेट है तो बाकी 5 वाली बची हुई है, क्योंकि ये जो आधी उसने असेट ली थी हाफ, उसको 10% कम पे लिया मतलब 45 पे लिया है। एंट्री उतने से होती है जितने में वो ले रहा है, तो एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बीस कैपिटल। तो उसने इन्वेस्टमेंट ली है 45 में, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या एंट्री हो रही है? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बी के डेबिट में 45 टू रियलाइजेशन लिखा हुआ। आगे चलो, अभी इसने बाकी हाफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा कि इस बाकी इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ। अगर आगे कुछ नहीं कहता तो इसकी वैल्यू, इससे कुछ रियलाइज नहीं हुआ, इसकी वैल्यू निल मानी जाती है, मतलब एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चलो, डेटर रियलाइज 19,000, डेटर रियलाइज 19,000 इंक्लूडिंग बैड डेट्स रिकवर्ड 6। अब ये क्या है बैड डेट्स रिकवर्ड? आपको पता है पिछले साल अगर कोई डेटर बैड हो जाते हैं, जिनको हम लॉस मान के ख़त्म कर चुके हैं, अगर वो अनफॉर्चुनेटली वो पैसे रिसीव हो जाते हैं तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड के हैं। ठीक है, तो आपको पता है कोई असेट अंदर हो या ना हो, हमें नया नाम तो कोई यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बैड हुए पैसे रिसीव हुए तो ये तो मेरे लिए इनकम है, और इनकम रियलाइजेशन के क्रेडिट में आती है तब भी रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, और वैसे भी असेट बेचने की एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन होती है। तो कोई असेट अंदर हो या ना हो, उसकी बिकने की एंट्री तो सेम ही है बैंक टू रियलाइजेशन, नाम तो हम नया कोई यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए 6,000 जो एक्स्ट्रा ये रिसीव हो रहे हैं, इसके लिए कोई नया नाम नहीं यूज़ करना, ये इनकम है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही आएगी। तो 19 सीधा रिसीव की एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 6,000 इसमें जिस भी चीज़ के हैं, नया नाम तो कोई यूज़ नहीं करना, तो बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक 19 रिसीव हो रहे हैं डेटर से। ठीक है, बैंक टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन 19। आगे चलो, क्रेडिटर एंड बीपी, ध्यान से सुनना बच्चे, एक बार देखना फर्म डिसॉल्व कौन सी डेट पे हो रही है, 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2018, इस डेट पे हो रही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्रेडिटर एंड बीपी वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस, वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस मतलब क्रेडिटर और बीपी की जो पेमेंट होनी थी, अगर फर्म डिसॉल्व ना होती तो एक्चुअल में इनकी पेमेंट कब होनी थी? ये तो आज बिजनेस बंद हो रहा है, आप सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो। एक बार पढ़ो इसको ध्यान से, बुक आगे खोल के बैठो। क्रेडिटर एंड बीपी वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 month आफ्टर द 31st मार्च। 1 month आफ्टर द 31st मार्च का मतलब कि क्रेडिटर और बीपी की जो पेमेंट होनी थी ना, वो 31st मार्च के एक महीने के बाद होनी थी। अगर बिजनेस बंद ना होता तो क्रेडिटर और बीपी की जो ड्यू डेट थी, पेमेंट की डेट थी, वो 1 month आफ्टर द 31st मार्च, 31st मार्च के एक महीने के बाद थी, मतलब 30th अप्रैल थी, एक महीने के बाद थी। लेकिन बट देवर पेड इमीडिएटली ऑन 31st मार्च, लेकिन इनकी पेमेंट इमीडिएटली कब की गई? 31st मार्च, क्योंकि बिजनेस आज ही बंद हो रहा है तो आज ही आज सारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर रहे हो। तो बताओ, वैसे पेमेंट होनी थी 30th अप्रैल को, लेकिन फर्म बिजनेस बंद हो रहा है जिसकी वजह से 31st मार्च को पे की गई, तो कितने महीने जल्दी की गई? एक महीने जल्दी की गई। तो इसके ऊपर जो डिस्काउंट निकलेगा वो 1 month का निकलेगा। क्यों?
इस टाइम पीरियड हमें पता लगा और रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखना एक बारी। बट देवर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च, इनकी पेमेंट 31 मार्च को की गई एट 6% डिस्काउंट पर एनम। कितने डिस्काउंट पे की गई? 6% डिस्काउंट, लेकिन रेट के साथ लिखा हुआ है पर एनम। इसका मतलब ये रेट जो डिस्काउंट निकालती है वो साल का निकालती है, लेकिन पेमेंट कितने महीने जल्दी की गई है? 1 महीने। तो हमें जो डिस्काउंट रिसीव होगा वो 1 महीने का ही रिसीव होगा, क्योंकि रेट के साथ पर एनम लिखने का मतलब है ये रेट डिस्काउंट निकालेगी पूरे साल का। हम साल जल्दी पेमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ 1 महीने जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट 1 मंथ का निकलेगा, ठीक है। तो देखना एक बार, क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर है 30। इनकी पेमेंट होनी थी वैसे 30 अप्रैल को, लेकिन इमीडिएटली की गई 31 मार्च को, तो 1 महीने जल्दी की गई। और कितने डिस्काउंट पे की गई? 6% पर एनम। पर एनम का मतलब ये रेट निकालती है साल का डिस्काउंट, लेकिन पेमेंट की गई है 1 महीना जल्दी, तो डिस्काउंट 1 महीने का ही निकलेगा 1/12 करके। अगर आप ऐसे करते हो तो, अगर 6% करते तो ये जो निकल के आएगा 1800 पूरे साल का डिस्काउंट निकल के, अगर आप साल जल्दी पेमेंट करते हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है आप 1 महीने जल्दी पेमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट 1 महीने का ही निकलेगा। तो 30,150 का डिस्काउंट, तो 29,850। तो क्रेडिटर की पेमेंट होगी बच्चे 29,850, 150 रुपये, 150 का डिस्काउंट है। सेम बीपी का, बीपी बताओ कितना है? बीपी मेरे पास है 8,000। इस पे भी डिस्काउंट 6% है, 6% पर एन में ये रेट साल का डिस्काउंट निकालेंगे, तो 1/12 1 महीने का, तो 40 रुपीज़ का डिस्काउंट आएगा। तो 8,000 पे 40 का डिस्काउंट, तो पेमेंट करोगे 7,960। क्रेडिटर की इतनी पेमेंट करोगे, इसकी इतनी पेमेंट करोगे। तो बताओ लायबिलिटीज पेमेंट की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है, तो रियलाइजेशन टू बैंक इकट्ठी एंट्री कर दोगे। बताओ क्रेडिटर्स की कितनी पेमेंट कर रहे हो? 29,850 इतनी, इसकी 8 नहीं करनी, इतने का डिस्काउंट 7,960। क्रेडिटर और बीपी की पेमेंट की गई है दोनों की। ठीक है, तो ये पूरी हो गई हमारी इतनी 37,810। ये एंट्री क्या हो रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 37,810। ठीक है, आगे चलो, 810 है, आगे चलो। उसके बाद कह रहे प्लांट रिलाइज 25,000। बच्चे देखो, पिछली बार भी हम पेमेंट करते थे क्रेडिटर की, क्योंकि वहाँ मुझे टाइम पीरियड नहीं पता था कितनी जल्दी कर रहे हैं, कहता था डिस्काउंट हम लेस करके सीधा पेमेंट कर देते थे। यहाँ उसने बताया कि 30 अप्रैल होनी थी, पेमेंट की गई 31 मार्च, और डिस्काउंट की रेट के आगे पर एनम लिखा था, तो मुझे जितनी जल्दी पेमेंट करोगे उतने मंथ का ही तो डिस्काउंट रिसीव होगा, तो डिस्काउंट उतने महीने का ही लेस करोगे। आगे चलो, प्लांट रिलाइज 25, बिल्डिंग से 40 रिलाइज हुआ, गुडविल से 6 कह रहा रिलाइज हुआ, एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 45। आपको ध्यान है अभी इन्वेस्टमेंट थी, हाफ इन्वेस्टमेंट बी ने ले ली थी, हाफ इन्वेस्टमेंट किसने ले ली थी? बी ने, लेकिन हाफ बची हुई थी, कह रहा है जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है ना इससे रिलाइज हुआ 45, मतलब वो इतने में बिकी, तो बिकने की एंट्री इन्वेस्टमेंट की 45 से, लेकिन 4 असेट की रिलाइज प्राइस इकट्ठे दिया हुआ है। असेट बिकने की एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, तो आप इनकी इकट्ठी एंट्री कर दोगे। बताना कौन कौन सी एंट्री, प्लांट से रिलाइज हुआ है, प्लांट से 25, बिल्डिंग से 40, एंड गुडविल से 6,
और जो रिमेनिंग 5,000 की आधी इन्वेस्टमेंट बची थी गुडविल से 6, और जो आधी इन्वेस्टमेंट बची थी उससे 45। अगर मान लो किसी भी असेट के नीचे रियलाइज वैल्यू नहीं दी होती तो उसकी वैल्यू निल मानी जाती है, इसलिए हम रिसीव ही नहीं करते। ठीक है, $75,500। ठीक है, 25, 40, 6, 45 ये हो गया बच्चे हमारा। ठीक है, बताओ ये एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन 75,500। ठीक है, ये चीज आ गई। आगे चलो मेरे पास, मेरे साथ आगे क्या करना है ध्यान से देखना। लास्ट पॉइंट ध्यान से सुना, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द बुक्स, बुक्स में एक टाइपराइटर था विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली, जो बुक से खत्म हो गया था कंप्लीटली, देखो नहीं है बैलेंस शीट में, खत्म हो गया था फ्रॉम बुक्स, देखो बैलेंस शीट में नहीं है ये टाइपराइटर असेट हमारी। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 3,300, एस्टिमेटेड टू रियलाइज मतलब इससे 300 मिलने का अनुमान है, अनुमान की एंट्री नहीं करेंगे, आज बिजनेस बंद हो रहा है, जितना मेरे पास कैश आएगा उतने से एंट्री करेंगे, यहां तक एंट्री होती मैं एंट्री ना करती, कह रहा मिलने का अनुमान है, अनुमान की थोड़ी एंट्री करनी है। ठीक है, तो आपको पता है ये असेट अनरिकॉर्डेड हो गई जो बैलेंस से बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन कोई असेट अंदर हो या ना हो उसकी एंट्री, तो एंट्री के लिए वर्ड तो असेट के लिए रियलाइजेशन ही करना है, कोई नया नाम यूज नहीं करना। इट वॉज टेकन अवे बाय बी, यहां तक एस्टिमेटेड टू रियलाइज तक होता था एंट्री नहीं होती, लेकिन कह रहा है इट वॉज टेकन अवे बाय बी, इस असेट को किसने ले लिया, बी ने, एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस, इस एस्टिमेटेड प्राइस पे इसे बी ने ले लिया। तो ये 300 वाली असेट का टाइपराइटर वाली टाइपराइटर जो है ये बी ने ले लिया, अब एंट्री हो जाएगी, तो बी के अकाउंट से काटोगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, असेट जाने के लिए वर्ड रियलाइजेशन, क्योंकि कोई असेट अंदर हो या ना हो एंट्री सेम होती है, क्यों होती है पहले बता चुकी हूँ, बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बीस कैपिटल 300, टाइपराइटर की एंट्री कर रहे हैं, बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन, बी के डेबिट में टू रियलाइजेशन। ठीक है, बस हो गया, पूरा सम करने के बाद मुझे असेट चेक करने की जरूरत नहीं है, जितनी बिक्री है उनकी एंट्री हो चुकी है, जिसका नहीं दिया निल माना जाता है, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी चेक करनी है, क्रेडिटर की हो गई, बीपी की हो गई, मिसेस ए लोन की ए ने कर दी थी, मिसेस बी लोन की नहीं हुई, जो चार आउटसाइड लायबिलिटी दी थी बैलेंस शीट में, मिसेस बी लोन की नीचे पेमेंट के लिए नहीं कहा गया, तो अपने आप इसकी फुल पेमेंट कर दोगे जितनी बैलेंस शीट में है, कितनी है बैलेंस शीट में 10, पूरी कर दोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक, मिसेस बी लोन, मिसेस बी लोन है 10 का, रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 10,000। ठीक है, अब मेरा पूरा सम हो गया, सिर्फ मुझे इसको क्लोज करना है। ठीक है, देखना अब इस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट के दोनों साइड का टोटल करना, इस बार ये वाला साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकलेगा, 1,59,300 है, 1,59,300 इसमें से इतना पोर्शन लेस कर दो। ठीक है, तो 32,490 आ रहा है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट पे पार्टनर का राइट है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किसके कैपिटल अकाउंट, ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। ठीक है, तो 1:1 मतलब
बताओ प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, पार्टनर को प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है, रियलाइजेशन, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज, तो बाय रियलाइजेशन 16,245। सेकेंड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स लोन की, पार्टनर लोन है नहीं। थर्ड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल की, तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालो, ठीक है 36,245, ठीक है 31,245, ये वाला साइड ज्यादा है। इसमें से इतना पोर्शन क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी फाइव। आप बताओ ये वाला साइड है तो ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब बिजनेस की लायबिलिटी है, फिर बिजनेस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस का मतलब बिजनेस में ऑनर का इतना पैसा है, आज बिजनेस बंद हो रहा है बिजनेस सारी इस कैपिटल की पेमेंट कर देगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इतनी पेमेंट कर दोगे तो एज बीज के डेबिट में टू बैंक ये फाइनल पेमेंट है, बैंक के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल 30,495 ए को पेमेंट करोगे, 24,695 बी की पेमेंट करोगे, ठीक है आपके बैंक के दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा, ठीक है बैंक के दोनों साइड का टोटल क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ये होगी बच्चे हमारी इलस्ट्रेशन 12।